Hey everyone, welcome to my channel Anjum Shah Fitness. I am your host Anjum Shah. लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कीटोजेनिक डाइट के बारे में. ये एपिसोड में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ के लिए. ये डिस्कवर हुए थे तब जब हम डेफिसिट थे. फॉर एग्जांपल ये तब डिस्कवर हुए थे, पता चला था हमें कि विटामिन और मिनरल्स की नीड होती है जब आपकी बॉडी में कुछ रिस्पॉन्ड हुआ था. उस टाइम पे ये डिस्कवर हुए थे कि हमें विटामिन और मिनरल्स की नीड हो सकती है. विटामिन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें एंजाइम ऑल्ट्रेशन में. फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खाते हो, उसको कोई एंजाइम लगता है, उसमें हेल्प करते हैं उसको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देने में. ये आपके विटामिन बीज जैसे हैं, वो आपको स्क्रेब साइकिल में भी यूज़ होते हैं एनर्जी सिस्टम, एनर्जी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. आपका जो कोएंजाइम का भी यूज़ होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें ये यूज़ होते हैं. बेसिकली डीएनए ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल होता है इससे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सम विटामिन होते हैं वो हमें एज ए एंटी ऑक्सीडेंट काम करते हैं. मतलब वो आपके जो ऑक्सीडेशन होता है सेल्स में उसको रिड्यूस करते हैं, उससे हमारी सेल्स डैमेज होने से बच जाती है. सो विटामिन्स जो है दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल होता है जो आपकी बॉडी में फ्लश आउट होते हैं अगर आप एक्सेस खाते हो, और फैट सॉल्युबल जो है वो बॉडी में रह जाते हैं अगर आप उसको एक्सेस खाते हो. तो जो वाटर सॉल्युबल है वो मेनली कंटेन होता है विटामिन बीज, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. ये आपके जो है विटामिन बीज है सारे. विटामिन सी आता है इसमें. जो ये सारे विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन. जो फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. सो इसका प्रॉपर RDA वैल्यूज़ जो है मैं आपको इधर दिखाता हूँ सारे कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना है. मेनली विटामिन बीज जो होते हैं वो लगते हैं आपको एनर्जी प्रोडक्शन में, मतलब ATP साइकिल में काम करते हैं, जो क्रेब्स साइकिल है उसमें काम करते हैं, वो आपको एनर्जी देते हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं इसके. और जो विटामिन B1 मेनली ये हेल्प करता है एनर्जी कन्वर्ट करने में. जो B2, B3 जो है वो ट्रांसफ़र रिएक्शंस करता है बहुत सारी. तो इन जनरल ये बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग. सो विटामिन बी का मेन सोर्स जो रहता है नॉन वेज सोर्सेज जो रहते हैं, तो जिसमें मैक्सिमम आपको मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि वेज में नहीं होता है, होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है. सो मेनली इसके सोर्सेज आपके मीट, पोल्ट्री, एग्स, चीज़, ऐसे इनमें मैक्सिमम विटामिन बीज रहते हैं, जो जिसमें बेसिकली वाटर भरा होगा, जो वाटरी होगा उसमें मेनली होते हैं. बिकॉज वाटर सॉल्युबल होते हैं, आप एनिमल सोर्स भी लोगे तो वाटरी कंटेंट जिसमें होगा उसमें मेनली होते हैं. तो B6 ऐसे वीट या पोटैटोज इनमें भी होता है. मोस्टली जो है लोग विटामिन B12 लैक करते हैं डाइट में, बिकॉज मैक्सिमम टाइम पे हम नॉन वेज रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हैं, हम बैलेंस नहीं करते हैं अपनी डाइट को. हम वीगन सोर्सेज अगर ज़्यादा खाएंगे मोस्टली उनमें विटामिन B12 की कमी होती है. जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अमीनो एसिड रिलेटेड फंक्शंस के लिए, इसलिए हमें विटामिन B12 मैक्सिमम टाइम पे आप सेपरेटली देखोगे उसके सप्लीमेंटेशन. तो ऐसे ही हमें विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन नहीं करना है, पहले देखना है कि चेक करना है विटामिन B12 अगर कम है देन यू कैन सप्लीमेंट. विटामिन B12 के मेनली जो सोर्सेज है वो है पोल्ट्री, फिश, मिल्क, मीट और आपका डेयरी, जो नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट्स है उसका विटामिन B12 के सोर्सेज है. उसके बाद भी अगर लैक होता है यू कैन जस्ट सप्लीमेंट इट. अब आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के. फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के आता है. सो उसका मैं आपको यहाँ पे सारा चार्ट दे दूंगा कि उसके डेली अलाउंसेज कितने हैं. मोस्ट प्रॉब्ली वी शुड कम्प्लीट ऑल दीज विटामिन फ्रॉम अवर फूड बेसिकली. तो फूड सोर्सेज क्या है विटामिन ए, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है विटामिन डी है, जो कि हमें नहीं मिलता है खाने से, जो आपको यूजुअली खाने से नहीं मिलता है कुछ भी खाने, वो आपको डायरेक्टली सनलाइट से मिलता है. तो जो अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर नहीं है तो उसको हम सप्लीमेंटेशन करते हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. विटामिन डी से आपका बोन हेल्थ, मूड, ये डिपेंड होता है कि आपका बोन एब्जॉर्प्शन बाकी चीज़ों का कैसा है, बोन इम्प्रोवाइज होना या हेल्थ इम्प्रोवाइज होना, वो विटामिन डी मेजर रोल प्ले करता है. तो अगर विटामिन डी आप लैक करते हो डाइट में, आपको लेथार्जिकनेस, एनर्जी लेवल लो रहती है, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, तो बेसिकली जो विटामिन डी का डोजेज है
वो यूजुअली RDA जो अप्रूव्ड है वो है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो हर कंट्री का अलग अलग होता है, वो है 400 to 800 IU पर डे. सो इसका जो सेफर लिमिट है वो है 10,000 IU पर डे के हिसाब से. उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब विटामिन पॉइजनिंग, मतलब विटामिन डी पॉइजनिंग हो सकती है अगर आप 10,000 से ज़्यादा ले रहे हो. तो यूजुअली हम उतना ज़्यादा नहीं लेते हैं डेली. हमें अगर जो हमें फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग अगर हम करेंगे, जो अगर हम डेफिसिट है, तो 1,000 to 2,000 IU डेली लेना अच्छा रहता है कंटिन्यूसली. मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स जो है अंडर 1,000 या अंडर 2,000 ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं. तो ये आपका विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है. किसी किसी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये कंपलसरी रखा है कि विटामिन डी आपको सप्लीमेंट मैंडेटरी करना ही चाहिए, क्योंकि आपको सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता. विटामिन ई जो है मेनली एंटीऑक्सीडेंट काम करता है. यूजुअली आप जो विटामिन ई भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो उसमें सबसे लोग ये करते हैं कि विटामिन ई सप्लीमेंटेशन अलग से लेते हैं और उसको एक्सीड कर रहे हैं, दे फील लाइक इट्स गुड फॉर स्किन. वो आपको एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है. कि जो विटामिन होते हैं वो हमें सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन हमें खाने से आराम से मिल जाता है. जो आपका डे टू डे रेगुलर मील जो आप खाते हो उसमें अगर आप बैलेंस करोगे उसके हिसाब से आपको नॉर्मली मिलता है. आते हैं हम मैक्रो मिनरल्स में, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. कैल्शियम, फॉस्फोर, सल्फर और मैग्नीशियम, ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है क्वांटिटीज़ में. तो इसको अगर आप लैक करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कुछ कमी है इस चीज़ की, तो तभी आपको ये सप्लीमेंट करना चाहिए. उसके अलावा आपको ये सप्लीमेंट नहीं करना चाहिए जब तक आपको कमी नहीं है. अब आते हैं हम मिनरल्स के बारे में. मिनरल्स जो होते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं. एसेंशियल मिनरल्स जो है वो हमें, मतलब मिनरल्स ऑल ओवर देखोगे, आप मिट्टी लोगे, कोई भी चीज़ लोगे, मिनरल्स हर, जैसे गोल्ड है मिनरल ही है, आयरन है मिनरल ही है, सारी चीज़ें मिनरल है. तो उसको एक प्रोसेस से आपको ईडेबल फॉर्म में, वो आपको खाने में भी मिलता है. हर मतलब फूड सोर्सेज जो होते हैं डिफरेंट, आप इनमें डिफरेंस क्या है? एसेंशियल मिनरल्स है जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होते हैं. नॉन एसेंशियल मिनरल्स है जो आपकी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और उसमें से कुछ मिनरल जो है पॉइजनस होते हैं. फॉर एग्जांपल आप मिट्टी उठा के सीधे ही खा लोगे तो उससे क्या होगा, उसमें जो बहुत सारे मिनरल्स है वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करेंगे, आपको पॉइजनिंग हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है. तो वो हम नहीं करते हैं बेसिकली. उसी हिसाब से अगर हम गोल्ड देखेंगे, जो आप गोल्ड प्लेट देखते हो मिठाइयों के ऊपर या मटन की कोई, जब हम डेकोरेट करते हैं गोल्ड प्लेटिंग है, वो नॉन एसेंशियल मिनरल है. तो उसको हमें, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ की, लेकिन वो हम तब भी खाते हैं, डेकोरेटिव वे में खा सकते हैं, वो सेफ रहता है बेसिकली. उससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है गोल्ड खाने से, या सिल्वर कोटिंग होती है. बाकी जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन है आपका, जो B12 जो रहता है उसको भी मिनरल में काउंट होता है, क्योंकि वो एक मेजर रोल प्ले करता है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो वो भी उसमें, क्रोमियम, कॉपर, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी फूड में ऑलरेडी होते हैं. तो आपको जब सिम्टम्स आते हैं कि आपको मिनरल्स की कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट मिसबैलेंस हो रहा है, उस टाइम पे आपको सप्लीमेंटेशन करना चाहिए. तब तक आपको मिनरल्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप पानी बराबर पियोगे, उसमें भी काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं. टैप वाटर जो पीते हैं उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को यूज़फुल अच्छे से काम कराते हैं. तो विटामिन जो है आपको सप्लीमेंट कर सकते हो आप, बिकॉज आपको खाने में, जो अगर बैलेंस डाइट नहीं हो रहा, वेजिटेबल्स, नॉन वेज मिक्सचर नहीं खा रहे हो पूरे खाने को, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आप मल्टीविटामिन से ले सकते हो. तो उसमें मेनली विटामिन बीज, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो अगर आप एक्सीड करते हो फ्लश आउट बॉडी से होता है. हमें मेन चीज़ ध्यान रखना होता है कि हम फैट सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा क्वांटिटी में ना ले, और ध्यान से ले. अगर हम डेफिसिट है तभी हम फैट सॉल्युबल विटामिन ले, अदरवाइज हमें फैट सॉल्युबल विटामिन जो है अवॉइड करने चाहिए. तो उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन में सिर्फ हमें विटामिन डी लेना चाहिए अगर हमारा सनलाइट एक्सपोजर नहीं है. हम उसका टेस्ट भी करा सकते हैं. यूजुअली विटामिन डी, B12, आयरन और कैल्शियम, इसका टेस्ट करा देना चाहिए. अगर उसमें कोई डेफिसिट है तब जाके आप सप्लीमेंट उसका कर सकते हो. तो सप्लीमेंटेशन जो है उसी हिसाब से ध्यान से करना चाहिए. और मिनरल्स हमें सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मिनरल्स आपकी बॉडी में खुद एब्जॉर्ब होते हैं. आपको पानी से भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खाने से भी मिनरल्स मिलते हैं. और अगर आप मिनरल्स लैक करते हो, बॉडी फिर रिएक्ट करती है, यू फील लेस एनर्जी लेवल्स, या बहुत ज़्यादा कम फील करते हो आप. कभी कभार यू कैन सप्लीमेंट विद कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ऐसा आप सप्लीमेंट कर सकते हो अगर इफ़ यू फील लाइक दैट आपकी बॉडी में वैसा रिस्पॉन्स आ रहा है. तो इस हिसाब से सप्लीमेंटेशन करना होता है. कोई भी सप्लीमेंटेशन
ऐसे ही नहीं करना होता है कि आपको डिफिशेंसी भी नहीं है और ऐसे ही आप सोचोगे कि इम्प्रोवाइज सब एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन. और फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में विटामिन बी आपको बराबर मिल रहा है और उसका आप एक्स्ट्रा खाओगे, उससे कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं एक्स्ट्रा खाने से. अगर आप विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन एक्स्ट्रा खाओगे, उससे आपको फैट विटामिन पॉइजनिंग होती है, जैसे विटामिन ई पॉइजनिंग होती है, विटामिन ए पॉइजनिंग होती है अगर आप एक्स्ट्रा खाते हो, क्योंकि वो फैट्स में वो स्टोर होता है बॉडी में, जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो विटामिन बी में ऐसा इशू नहीं रहता. और आते हैं मिनरल्स में. मिनरल्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं काफ़ी सारे. व्हेन यू लैक मिनरल्स ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन इन योर डाइट, और फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करते, उसमें आपको मे बी मिनरल लॉस होता है, तो आप अपना सॉल्ट इनटेक नॉर्मली आप देखोगे. पहले सोडियम, जो सबसे ईजी मिनरल्स होते हैं, वो बढ़ाओगे, एंड देन यू विल फिगर आउट कि कौन सा मिनरल कम हुआ है. वो यूजुअली 2-3 मिनरल ही होते हैं जो सप्लीमेंटेशन आता है, जाडे में आता है, वो सब उस टाइम पे हमें देखना है, मे बी वी नीड देम. अदरवाइज यूजुअल बेसिस पे आपको कोई भी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट ए मल्टीविटामिन. मेनली जो सबसे डेफिशिएंट लोग होते हैं, एल्कोहलिज्म हर किसी में आता है कि किसको डेफिशिएंसी होती है एल्कोहल सब में. बाकी सारे फैक्टर्स भी होते हैं, बट एल्कोहल जो है मेन फैक्टर होता है जिससे आपको विटामिन डिफिशियंसी या मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है. सो ये हो गया हमारा, ये हमारा आज फिनिश हो गया न्यूट्रिशन का टॉपिक पूरा. अगले एपिसोड में हम धीरे धीरे ब्रेक डाउन में सप्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे. वो बहुत लंबा टॉपिक है, तो हम उसको ब्रेक डाउन करके लेंगे. सिंपली हम वे प्रोटीन का हमने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में बनाया था, मतलब प्रीवियसली बनाया था. तो ये वाला सीरीज़ आप पहले एपिसोड से लेकिन 10वां एपिसोड है, इसमें आपका पूरा न्यूट्रिशन कम्प्लीट होता है, वो आप एक एक करके देख सकते हो. तो उसके बाद हम अभी सप्लीमेंटेशन पे आएंगे कि सप्लीमेंटेशन कौन, उसको एक एक सप्लीमेंट सेपरेटली लेंगे. वो देखेंगे अगले एपिसोड में कि सप्लीमेंटेशन के बारे में कौन सा हम लेंगे, वो देखते हैं हम. और प्रीवियसली हमने फिलहाल वे प्रोटीन और क्रिएटिन और BCAA कंप्लीट किया था. अभी हम नेक्स्ट सप्लीमेंटेशन पे जाएंगे, वो हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे आगे. उसमें आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है और क्लियर होगा ज़्यादा, कि हमें सप्लीमेंटेशन कब करना होता है और डोजेज कितना होता है. जो RDA है उसके रिलेटेड करना है कि हमें एक्सेस डोजेज कर सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अंजुम शाह फिटनेस. थैंक यू.